While bearing, Bilal Bibi. While bearing, Bilal Bibi. While bearing, Bilal Bibi. While bearing, Bilal Bibi. देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे FRP के बारे में। आपके पास में कोई भी मोबाइल आता है और आप FRP करना चाहते हैं क्वालकॉम का, तो उसकी FRP आप कैसे करेंगे एक क्लिक में। आप देख रहे हैं 12 सितंबर का जो बैच है हमारा खुला, आप आना चाहते हैं 12 अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बुकिंग करा सकते हैं। मैंने बताया था आज और कल बुकिंग चलेगी, अक्टूबर की आजकल के बाद में बंद हो जाएगी। ऑनलाइन का फीस 3000 रुपये, ऑफलाइन का 19200, रहना खासा नाश्ता टूल किट फ्री है। लेकिन यह जो ऑफर है 2024 के दिसंबर तक, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि FRP कैसे अनलॉक करें। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको कहते हैं UMT सपोर्ट। जो UMT सपोर्ट है, इसका जो ये सपोर्ट वर्जन है, इसको आप ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे UMT लगाने के बाद में, तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो लिखा है इंस्टॉलर्स जिस पे लिखा है, आपको इस पे देख रहा है एक ऑप्शन जिस पे लिखा है न्यू, तो आप इस पे एक बार क्लिक कर रहे हैं। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं UMT सपोर्ट का जो QC फायर है, यानी कि क्वालकॉम के मोबाइल की अनलॉकिंग के लिए यहाँ पे वर्जन 10.8 यानी कि 10.8 वर्जन आ चुका है। इसके अंदर क्या दिया है इसको चेक करते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इसको यहाँ से अब स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, नेट की स्पीड के ऊपर है कितनी जल्दी डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे स्पीड इस समय ठीक है, 11 MB, 9 MB, 10 MB की आ रहा। तो जैसे ही डाउनलोड होता है, इसका आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ क्या करना है और कैसे करना है। तो पहले इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें इनकी मैं बताऊँगा इसके अंदर क्या अपडेट है, किस किस मोबाइल को अनलॉक कर पाएंगे आप। देखिए यहाँ पे जो डाउनलोड हो चुका, डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं तो क्या लगा, ओपन फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कौन सा वर्जन किया था हमने। देखिए आप ध्यान रखें, इसमें QC फायर का जो हमने 10.8 ये जो वर्जन है, इस पर आपको राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, करेंगे राइट क्लिक करने के बाद इसमें बिनदार में जाके इसको आपको फोल्डर बनाना है। इसका फोल्डर जब बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे, इसका जो सेटअप है इसको रन करेंगे और जितने भी टूल्स हैं इनको हम मिनिमाइज करेंगे। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं। इसके जो प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, तो आप इसको आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इसमें जो दिया है सपोर्टेड, देखिए ये तो पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन नया क्या ऐड किया है इसके अंदर, वो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे। इस पर लिखा एडेड, जो हॉनर का 8C मोबाइल है BBK L21, वो यहाँ पर दे दिया है। दूसरा आप देख रहे हैं लेनोवो का टैब M3 M10 थर्ड जनरेशन दे दिया है। सैमसंग के इसके अंदर क्वालकॉम के इतने मॉडल दे रखे हैं 5G के जो नहीं होते थे, वो आप देखेंगे यहाँ पे आसानी से इनको कर सकते हैं। इसके बाद MI का इतना वर्जन, इतने मॉडल दिए हैं इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर इस ब्रांड का दिया है। तो इनके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर टिक लगा के आपको इंस्टॉल करना है, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और इसको टिक हटा के फिनिश कर देंगे। आप देखेंगे QC फायर डेस्कटॉप पे ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे हैं जो QC फायर का जो टूल है, क्यू का मतलब होता है क्वालकॉम का कोई भी मोबाइल इससे अनलॉक कर सकते हैं जो इसके अंदर सपोर्टेड है। जैसे इसके अंदर जो अपडेट दिया है, इसको डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है। यहाँ पे इसको यस करेंगे, यस करने के बाद ये कुछ सेकंड का समय लेता है, उसके बाद में यह अभी ओपन होगा। ओपन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इससे हम किसी भी मोबाइल को अनलॉक FRP कैसे करें। तो इस वीडियो में FRP के बारे में बताया जा रहा है। यदि आपको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो मैंने इसकी फुल वीडियो इसी चैनल पर डाल रखी है। आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो टूल है, जैसे कि हमें FRP करनी है तो आपको कहीं कुछ नहीं करना, रीड एंड टूल में जाना है। आपको यहाँ पर जाना है और जेनरिक में जाने के बाद आपको यहाँ पर सैमसंग का जो ब्रांड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो इसके अंदर जो मॉडल अपडेट हुए हैं वो आप देख सकते हैं, कोई भी मॉडल इसके अंदर ले सकते हैं। और आपको FRP करनी है, यहाँ लिखा हुआ है सैमसंग स्पेशल FRP, इस पर आप क्लिक करके एक्सक्यूज करके FRP हटा सकते हैं। सैमसंग का फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, लॉस्ट मोड रीसेट कर सकते हैं, KG बाईपास करते हैं, KG अनलॉक कर सकते हैं, OEM अनलॉक कर सकते हैं। जो भी सेलेक्ट करने के बाद एक्सक्यूट करेंगे, एक्सक्यूट करने के बाद में आपके जो
प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। सैमसंग की जगह आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड मॉडल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक मॉडल दिया था इसमें हॉनर हवाई का, ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो वो जो है आपका जैसे हॉनर था, इसके अंदर हॉनर में गए तो हॉनर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे दे दिया है, देख रहे हैं ना, जो अभी आपको बताए थे वो यहाँ पे दे दिया है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि फैक्ट्री रीसेट है, FRP करनी है, तो आप इस पे जाके यहाँ पे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। एक्सीक्यूट के बाद यहाँ से नहीं होता है तो आप इसमें जाके इसकी ID को रीसेट कर सकते हैं। FRP फॉर्मेट के लिए यहाँ जाना है, ID के लिए आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पे छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपडेट आते हैं तो इसी तरीके से आपको चेक करने चाहिए। नेक्स्ट बैच में आप आना चाहते हैं अपना बुकिंग करा सकते हैं। 2 दिन तक ही हमारी जो है अक्टूबर की बुकिंग चालू है, वो बंद हो जाएगी, फिर आपको नवंबर दिसंबर की ही मिलेगी। दिसंबर में भी कुछ सीटें बुक हो चुकी हैं, नवंबर में भी कुछ सीटें बुक हो चुकी हैं। 19,200 का लाभ आप सिर्फ इसी साल के 2024 तक ले सकते हैं। DPH बन गया, बक बोल्ट बन जाते हैं, तो LDO जब बनता है जब बक बोल्ट बन जाते हैं। ठीक है, जी सर, अब कुछ पूछना है तो पूछो फिर इसमें। सर जानना वही था कि सर जैसे BPH आया तो मतलब ये कौन सा बग ये पर आएगा सर, वो कैसे जानेंगे, बस मैट्रिक के ही इस्मेटिक से ही जान सकते जानेंगे, हैं सर? वैसे नहीं जान सकते, जी सर, बिना इस्मेटिक के नहीं जान पाएंगे इसको। अब इसमें हमें क्या मालूम कहाँ जाएगा, इस्मेटिक ही बताएगा। ये बता रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है जो BPH जो लाइन है ये यहाँ से इतनी जगह जा रहा है। BPH इतनी जगह और बक कॉइल से बक बोल्ट बनेंगे। सर ये जो IC का नंबर है ना, सभी सर्किट का एक ही होता है क्या? अलग अलग भी हेलो, रहते हैं, नंबर एक होने से एक ही होता है? हाँ। अब इसके अंदर जैसे 8953 लगी है, तो जिस फोन के अंदर 8953 होगी तो सबकी लाइन, हाँ सबके हाँ बोल्ट, सब कुछ सेम होगा, एक ही। हाँ कहना क्या ये सताओ कि मेरा एक C35 का ये डिस्प्ले कनेक्टर जो बोर्ड में रहता है।